इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए, और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा, इस लाइक को भी दबाएं हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज आपके लिए लाया हूँ ये 7.5 का जनरेटर है बूस वाला, और उसमें देखें मोबिल ऑयल डाला है हमने, सर्विस करी है इसकी। और ये देखें मोबिल ऑयल, हम आपको दिखाते हैं मोबिल ऑयल कितना होना चाहिए। हमारे दोस्त जो भी हैं कि उन्हें गेज से पता होता है गेज से कितना होगा, पर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है इस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें कितना मोबिल ऑयल डलता है। ये देखें, इन्होंने ये पंखड़ी जो लगा रखी है, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाई थी कि रेडिएटर की पंखड़ी किस तरीके से होनी चाहिए, जनरेटर जो हीट होता है और आपका जो एवरेज में भी दिक्कत होती है और वैसे भी आपका कम चलता है और गर्म ज़्यादा होता है। तो देखिए पंखड़ी उल्टी लग रही है इसमें, ये लेके आए होंगे वाटर बोर्ड या पंखड़ी, इन्होंने अपना आप लगाई है, ठीक है ना। तो इसमें हम सीधी कर देंगे इसे लास्ट में, अभी ये सर्विस करते हैं हम इसकी। तो इसमें मोबिल ऑयल 3.5 लीटर कम पड़ गया है, तो हम इनके पास रखा हुआ था वो भी डाल देते हैं। तो इसमें कम से कम 4 लीटर डलता है, आगे टापे में है ना, वो टापे में भी जाता है, आधा लीटर टापे में बढ़ जाता है इसका, क्योंकि टापा लंबा होता है और इसमें 3.5 लीटर बैरिंग वाले में सही रहता है। तो ये देखें, ये हमारे वेट हैं, वेट ये देखें, ये वेट लगने चाहिए मोबिल ऑयल में। अब हमारा जो हमारा लाइनर है कटता जल्दी क्यों है, ये हमारे वेट हैं, देखें वेट ये मोबिल ऑयल में छू जाने चाहिए, जो छुएंगे तो हमारा लाइनर रिंग पिस्टन जल्दी नहीं कटेंगे। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई सा भी आपका जनरेटर हो, 5 का 10 का 7.5 का 2.5 का, तो उसमें वेट ज़रूर छूने चाहिए, जिससे कि वेट छुएगा और आपका वेट छूना चाहिए, ज़्यादा मतलब डूबने नहीं चाहिए, छूने चाहिए, जिससे कि ये लाइनर पिस्टन पर अच्छी तरीके से गिरेंगे। तो हमने इसका मोबिल ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, एयर क्लीनर सब साफ कर दिया है, टैपिट भी मिला दिए हैं जो सर्विस में ज़्यादातर होता है। तो हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं, अब ये 2 हैंडल मार दिए, स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसमें हमारा क्या था कि हमने डीजल फिल्टर जो नया चेंज किया था उसमें एयर आ गई थी, तो उसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो ये देखें अब स्टार्ट हो चुका है, तो ये सर्विस करिए, सर्विस के बाद इसमें अब हमने स्टार्ट करके देखा, साउंड भी थोड़ा सही हो गया है, ये देखें बढ़िया चल रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लाइट भी हमारी सही काम कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे सर्विस में क्या क्या होता है, मोबिल ऑयल चेंज होता है, एयर क्लीनर साफ़ होता है, टैपेट मिलाए जाते हैं, फिर दोनों फिल्टर साफ होते हैं, और जो भी चीज़ कुछ टूटी है उन्हें चेक करा जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।